लेकिन जरा इन्हें देखिए, ये तो यहाँ खूब फल फूल रहे हैं और वो भी अपने अच्छी तरह ढल चुके पड़ोसियों के साथ। खाने की तलाश में ये दोपहर की धूप में निकल पड़ा। महज 1.5 मीटर का ये अजगर काफी छोटा है। ये है इसके चलने का खास तरीका, ताकि झुलसते हुए रेत से इसे कोई नुकसान ना हो। आगे बढ़ते समय थोड़ा ऊपर उठे रहने से तपती जमीन से संपर्क कम हो जाता है। ये हुआ ना खुद को ठंडा रखने का कारगर तरीका। खुले इलाके से गुजरना अजगर के लिए खतरनाक हो सकता है। इस इलाके में ठिकाना है दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांपों का। शिकार के तरीकों पर गौर करें तो जहर से मारने का तरीका दबोच कर मारने से ज्यादा तेज और कारगर है, और अक्सर दूसरे सांपों को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लाखों वर्षों से साथ साथ विकसित होने की वजह से इस अजगर पर यहाँ के सांपों के जहर का असर ही नहीं होता, और यही बात इसे दूसरे सांपों से 2 कदम आगे रखती है। ऑस्ट्रेलिया के सूखे अंदरूनी इलाकों में कमजोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं। जीने के लिए जरूरी पानी वाली जगहें कम और काफी दूर दूर हैं। वज्रगाज कहलाने वाले छोटे तोतों के झुंड यहाँ बारिश के साथ जाते रहते हैं एक से दूसरी जगह पर, और प्रजनन करने के लिए जमा हो जाते हैं पानी के ठिकानों के पास। पेड़ पर ऊंचाई पर बने सुराखों पर तुरंत कब्जा हो गया, लेकिन एक जोड़े ने जमीन के पास के सुराख में अंडे दिए और एक बिन बुलाया मेहमान यहां आ रहा है। माता पिता में से एक ने तो खतरा भाप कर उड़ान भर ली, लेकिन फिर अजगर ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। अब दूसरे का बचना नामुमकिन है। यहां खाना आसानी से नहीं मिलता, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाता।